अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज की वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 72 के बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हम क्या करते हैं इस मेथड में कि जो वैल्यू होती है उसे हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है, और डिवाइड हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना होता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। इजी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 है तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो इसे हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 6 नहीं, सॉरी 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। अभी भी लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है इसलिए इस वैल्यू को हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। अभी भी लास्ट में इवन नंबर है तो उसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 आ चुका है हमारे पास ऑड नंबर, अभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 खुद प्राइम नंबर है इसलिए यहाँ 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 72 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास तमाम प्राइम फैक्टर 72 के। अब इन्हें हम इस तरह से लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ये देखने हमारे पास ये आ चुके हैं प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 हमारे पास यहाँ 3 टाइम्स है और 3 हमारे पास यहाँ 2 टाइम्स है। तो ये हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। और अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या हमने प्राइम फैक्टर्स सही फाइंड आउट किए हैं तो हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास 72 ही बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर्स बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।